नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं श्रद्धा सिंह। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। जमशेदपुर में जिला प्रशासन और अखाड़ा समितियों के बीच अखाड़ा जुलूस को निकाले जाने को लेकर हुआ विवाद शुक्रवार बैठक के बाद समाप्त। इसके बाद जुलूस निकाले जाने पर सहमति बनी। मानगो में सुबह मॉर्निंग वॉक कर रही महिला की चैन छिनते ही मामला थाने में दर्ज। आदितपुर टोल ब्रिज के समीप मरीन ड्राइव में शनिवार को अनियंत्रित ट्रेलर की चपेट में आने से इंडो डेनिस टूल रूम की छात्रा की मौत। और सरायकेला खरसावा जिला के कपाली ओपी पुलिस ने बीते 24 मार्च को सूरज कालिंदी हत्याकांड का किया खुलासा, 4 अपराध कर्मी गिरफ्तार। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में जिला प्रशासन और अखाड़ा समितियों के बीच अखाड़ा जुलूस को निकाले जाने को लेकर हुआ विवाद शुक्रवार शाम को हुए बैठक के बाद समाप्त हो गया। इसके बाद अखाड़ा जुलूस निकाले जाने पर सहमति बन गई। बता दें, विसर्जन में टेलर और डीजे नहीं इस्तेमाल करने को लेकर विवाद हुआ था और अखाड़ा समितियों ने अखाड़ा जुलूस नहीं निकालने और शनिवार को जमशेदपुर बंदी का ऐलान किया था। इसके बाद देर शाम को परिसदन में जिला प्रशासन और अखाड़ा समितियों के बीच बैठक हुई, जहां जिले के सांसद विद्युत वरण महतो भी मौजूद रहे। इस दौरान तमाम बंदिशों को हटाते हुए अखाड़ा जुलूस को निकाले जाने पर सहमति बनी। सारे लोग, बड़े लोग जो है जिम्मेवारी है, उन लोग से बातचीत हुआ, सभी इकाइयों से बातचीत हुआ। बस में यह तय हुआ कि तत्काल जो है जो जुलूस निकालना चाहता है उसको निकाला दिया जाए, ठीक है नहीं, और अच्छे वातावरण से निकले। क्योंकि जुलूस जो, ये भी बात सामने आई कि रात 12-1 बजे तक जुलूस चलता है और सब लोगों को ध्यान में रखते हुए हिंदू जो हमारे इस महापर्व है इसको हम लोग जिस तरह मनाते आ रहे हैं उसी तरह हम लोग मनाएं। एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि अभी निकालेगा, पूरा प्रशासन आप लोग का साथ रहेगा, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं, और हर साल निकलेगा। यहाँ ना डीजी ना गाड़ी घोड़ों का किसी तरह कोई पाबंदी नहीं है और आप लोग निकाल सकते हैं। दूसरे का संपर्क करके हम लोग अच्छा वातावरण से पर्व को मना सकते हैं। तो आज यही हम लोग यहाँ से आपके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं। जो बंधु अभी इंतजार कर रहे हैं इसको प्रोसेशन को निकालने का, वो निकाल सकते हैं। मानगो में सुबह मॉर्निंग वॉक कर रही महिला की चैन छिनते ही सुबह 6:06 में NH-33 स्थित हिल सिटी की रहने वाली महिला अंजना सिंह का अपराधी सोने की चेन झपट्टा मारकर फरार हो गए। मौके में पहुंचे भाजपा नेता विकास सिंह को अंजना सिंह ने बताया कि वे प्रतिदिन प्रातः मॉर्निंग वॉक में जाया करती है। अपने फ्लैट हिल सिटी से निकलकर जब वह बिग बाजार की ओर जा रही थी, तब उसके सामने एक अपराधी तेज रफ्तार से काले रंग की हीरो होंडा मोटरसाइकिल जिसमें केवल एक लड़का था सामने आ गया। महिला को लगा कि अपराधी उसका मोबाइल छीनना चाह रहा है, लेकिन इसी बीच मौका देखकर अपराधी ने अंजना सिंह के गले से सोने का चेन झपट्टा मारकर छीन लिया और तेज रफ्तार से गाड़ी डिमना चौक की ओर लेकर भाग गया। महिला कुछ दूर पैदल ही पीछा की, लेकिन रफ्तार तेज होने के कारण एवं प्रातः बेला सड़क पर कम आदमी रहने का फायदा उठाकर अपराधी फरार हो गया। महिला ने सोने की चेन की कीमत 70,000 बताई। अपराधी ने झपट्टा इतना तेज मारा था कि अपराधी के नाखून से महिला का गर्दन लहूलुहान हो गया। सूचना मिलने के बाद महिला अंजना सिंह के साथ भाजपा नेता विकास सिंह मानगो थाना जाकर मामले की लिखित शिकायत करते हुए रास्ते में लगे हुए CCTV को खंगालने की बात कर अपराधियों की शिनाख्त कर अपराधी को पकड़कर महिला को चेन वापस दिलाने की बात कहते हुए कहा कि मानगो में अपराध बेकाबू हो गया है, नशाखुरानी गिरोह प्रशासन पर हावी हो गए हैं, जिसके कारण आए दिन मानगो में आपराधिक घटनाएं घटित होती है। प्रशासन घटना घटने के बाद केवल मामले की लीपापोती करते हैं। कल्याण विहार हिल सिटी है, कल्याण विहार पड़ता है कॉलोनी हिल सिटी, नियर में स्मार्ट बाजार है। तो मेरा नाम होगा अंजना सिंह। हम लोग सुबह एक लेडी के साथ, मतलब दो लेडी थे, वॉकिंग के लिए गए हुए थे। बिग बाजार वाला जो रोड है उसमें जाते हैं, तो बिग बाजार से करीब 10 मीटर आगे बढ़े तो एक लड़का आया और पहले वो गाड़ी से आया, गाड़ी दूर जाके लगा दिया और वॉकिंग करने लगा। तो हम लोग सोचे वॉकिंग कर रहा है, फिर सामने से आया तो हमको लगा, देख रहा था मेरे को गौर से, तो लगा कि शायद मोबाइल वाइल सुनते हैं आजकल, मोबाइल छीने, मोबाइल हम जोर से पकड़ लिए। तब तक वो सामने आया और गला पे हाथ दिया और चैन, तब तक हम ऐसे पकड़ रहे हैं तब तक वो चैन छीन लिया। अकेले था ना, और भी था कोई? एक लेडी थी A1 की, इसी मतलब ए बी ब्लॉक है, वो ए ब्लॉक के थे, उसके साथ वो लड़का अकेले था, बाइक में था? नहीं, पैदल आया। अच्छा। बाइक लगाया था दूरी पे। अच्छा। और जब छीन लिया तो पैदल गया, हम लोग काफी दौड़े,
कि मतलब पकड़े, लेकिन हम लोग दो लेडी थे, वो लड़का था तेज तेज दौड़ा और बाइक पहले से ही स्टार्ट था, वो बैठा और चला गया। गला पर देखिए कहीं थोड़ा सा निशान। और ये कितने बजे की घटना है? ये था हम लोग घर से 5:40 पे निकले थे, वहाँ जब छीना तो 6:06 हो रही थी। तो आपने शोर मचाया होगा? हाँ शोर मचाया, हालांकि आवाज भी दिए कि कोई गाड़ी वाला है तो टेक ओवर करे, लेकिन सुबह का टाइम था, कोई मतलब था भी नहीं, और लेडी लोग भी कोई उस रोड में थी कोई इस रोड में, पकड़ नहीं पाए हम लोग। थाना में कंप्लेन किए? हाँ थाना में अभी हम जाके कंप्लेन किए हैं। कौन सा थाना? मानको थाना में। कितने का होगा आपका चैन? 70,000 का था। 70,000। और जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत आदित्यपुर टोल ब्रिज के समीप मरीन ड्राइव में शनिवार को अनियंत्रित होकर ट्रेलर की चपेट में आई इंडोडेनिस टूल रूम की छात्रा रजनी टुड्डू की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सूचना मिलते ही हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि रजनी टुड्डू इंडोडेनिस टूल रूम में ITI की पढ़ाई कर रही थी। हर दिन की तरह शनिवार को भी वह अपने साइकिल से IDTR गई थी। वहां से लौटने के क्रम में टोल ब्रिज के समीप ट्रेलर के पिछले चक्के के नीचे आ गई। सूचना पर पहुंची हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस ने घायल छात्रा को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। छात्रा सोनारी आदर्श नगर सिद्धुकानु बस्ती की रहने वाली बताई जा रही है। बताया जाता है कि छात्रा के पिता की पूर्व में ही मृत्यु हो चुकी है, मां किसी तरह उसे पढ़ा रही थी। घटना के बाद परिजनों में मातम छा गया है। वहीं सूचना पर पहुंची कदमा थाने की पुलिस दुर्घटनाग्रस्त टेलर एवं छात्रा का साइकिल जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। रजनी टुडू। कितना उम्र होगा? 21 साल। कहाँ पढ़ाई करती थी? IDTR। IDTR इंडोडेंस टूल रूम। IDTR कहाँ पर है? गमरिया में। ITI करती थी। ITI करती थी। रोज साइकिल से जाती थी। अच्छा रहती कहाँ है? रहती सोनारी में। अच्छा सोनारी में आदर्श नगर में रहती है। कैसे क्या पता चला आप लोग को? पता चला बस पुलिस ला के छोड़ दिया, बॉडी हो गया भैया जॉब करते हैं, इसके अपना मान ही है, डैड नहीं है, सॉरी ठीक है। ये अकेले हैं? हाँ मम्मी है और छोटी बहन लोग, वो लोग भी गांव में रहती है। कितना भाई बहन है ये लोग? तीन बहन। भाई नहीं कोई? ये भी बड़ी थी, भी कमाने वाले चार। क्या क्या घटना? अपना भाई कोई नहीं है? एक भाई, यहाँ नहीं, एक भाई चार बहन। सब कहाँ रहता? बाहर गाड़ी वाले उड़ा, हमेशा की तरह रोज कॉलेज जाती है, IDTR ITI करने साइकिल से जा रही थी, कदमा मोड़ में वहाँ उड़ा दिया। कहाँ पे मारा है? अभी तक हम लोग भी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चला, बट कदमा में हुआ, गाड़ी पकड़ाई गया मेन ड्राइव में। गाड़ी पकड़ा, कौन सा गाड़ी मारा है? ट्रेलर मारा है। ड्राइवर पकड़ा है, पता चला है कुछ? हाँ अभी वीडियो देखे पता चला, आपसे पहले न्यूज वाला आया तो वो दिखा है, पकड़ा गया, ड्राइवर ही पकड़ा गया ना। घटना है कि हम लोग गश्ती में थे, हमको सूचना मिला कि टोल गोल चक्कर के पास एक्सीडेंट हो गया है। तो हम लोग सूचना पा करके आए तो यहाँ देखे कि साइकिल बगल में पड़ी है, वो लड़की है उस पर गाड़ी चढ़ के पार कर गया है, जो कि यहाँ का स्थानीय लोग मौजूद लोगों ने बताया कि इसे टोल तरफ से लड़की आ रही थी और गाड़ी जो है से कि टेलर जो है मेरिन ड्राइव तरफ से आ रही थी, और गोल चक्कर घूमने के क्रम में गाड़ी के पिछला चक्का के पीछे पड़ गई है। सरायकेला खरसावां जिला के कपाली ओपी पुलिस ने बीते 24 मार्च को घर में घुसकर सूरज कालिंदी नामक व्यक्ति की हत्या मामले में 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हालांकि मुख्य शूटर और हत्यार अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराध कर्मियों का नाम जयद्रथ महतो, विष्णु महतो, संतोष गोप एवं राकेश गोराई बताया जा रहा है। पुलिस ने इनके पास से एक बुलेरो और 3 मोबाइल बरामद किए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए SDPO संजय कुमार सिंह ने बताया कि सूरज की हत्या जमीन विवाद को लेकर की गई थी, जिसका मास्टरमाइंड विष्णु महतो है। उन्होंने बताया कि डुबो में एक जमीन को लेकर सूरज कालिंदी एवं विष्णु महतो के बीच अक्सर विवाद हुआ करता था, जिस कारण दोनों में कोई पक्ष उक्त जमीन को बेचने या कब्जा करने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे। तब विष्णु महतो ने जयद्रथ महतो को कब्जा दिलाने एवं बिक्री करने का जिम्मा दिया, जिसके बाद दोनों ने मिलकर 2 अपराध कर्मियों को तैयार किया और उसे 2,00,000 नगद, 1 स्कॉर्पियो एवं 2 बुलेट मोटरसाइकिल की सुपारी दी। SDPO ने बताया कि बतौर पेशगी 2,00,000 का भुगतान भी किया गया था।
सूरज कालिंदी की पहचान भी इन लोगों द्वारा अपराध कर्मियों को कराई गई, साथ ही सूरज की रेखी भी इन लोगों द्वारा कराई गई। उन्होंने बताया कि गिरफ्त में आए अपराध कर्मियों ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि जांच में भी इस बात की पुष्टि हुई है। उन्होंने कहा शूटरों की गिरफ्तारी एवं हथियार की बरामदगी हेतु छापेमारी की जा रही है, जो शीघ्र ही पकड़े जाएंगे। अभी तक के अनुसंधान में घटना का पताक्षेप हो गया है। विभिन्न बिंदुओं में पहलुओं में जांच करने के बाद यह बात स्पष्ट हुआ कि सूरज कालिंदी अपने घर के पास ही कोई लगभग 1.5 एकड़ जमीन था, उस जमीन को लेकर के कमार घोड़ा के विष्णु महतो के साथ उनका विवाद कुछ दिनों से चल रहा था, जो कहीं नोटिस में नहीं आया था, अंदरूनी विवाद था। दोनों ही उस जमीन पे अपना अपना दावा कर रहे थे। इसी विवाद को लेकर के जब भी गणेश सूरज विष्णु महतो किसी आदमी को जमीन बिक्री के लिए दिखाता था तो उसको डिस्टर्ब ये कर देता था कि यह मेरा जमीन है। इसी को रास्ते से हटाने के लिए विष्णु ने वहाँ के अमीन जयद्रथ महतो को उसका साथ लिया। जयद्रथ महतो ने उसे दिमाग दिया कि ऐसे नहीं मानेगा, इसे जो है ख़त्म करवा दो। और तब इसकी साजिश जयद्रथ महतो ने उसकी हत्या की साजिश विष्णु के साथ मिलकर रची और दो कुख्यात शूटर को इसके लिए हायर किया और उन शूटरों को 2 लाख रुपये की भुगतान भी की गई। उन्हें कब्जा होने के बाद उन्हें इसके अलावा एक स्कॉर्पियो और 2 बुलेट मोटरसाइकिल देने की बात हुई और इस बात के आधार पर शर्त के आधार पर शूटरों ने 24 तारीख के शाम में सूरज कालिंदी को गोली मार दिया। तकनीकी जांच एवं विभिन्न जांच के पहलुओं पर अनुसंधान के दौरान इसमें हम लोगों ने विष्णु महतो और अमीन जयद्रथ महतो शूटरों के सहयोगी जो रेकी करने में शूटरों के मदद कर रहे थे संतोष को तमुलिया के हैं और राकेश गोराई हैं ये भी तमुलिया के हैं। इन चारों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया। अभी भी शूटर अभी हमारे पकड़ से बाहर है पर जल्द ही हम लोग चूँकि पहचान हो गई है हम लोग उसके पीछे काम कर रहे हैं। शीघ्र ही दोनों शूटर को भी हम लोग पकड़ेंगे। अभी तक जो अनुसंधान में हमें अभी तक जो बातें आई है ये 4 हम जेल भेज रहे हैं, 2 शूटर अभी बाहर हैं। अब शूटरों के पकड़े जाने के बाद और अनुसंधान के विभिन्न एंगल से अगर कुछ मिलेगा तो हम बाद में आप लोगों को बता पाएंगे। सर ये शूटर हमारे जिले के ही हैं, आसपास के ही हैं और नाम हम अभी नहीं बताएंगे क्योंकि उनकी गिरफ्तारी हमारे लिए ज़रूरी है। वो प्रोफेशनल शूटर हैं, जल्दी पकड़ेंगे। इधर जमशेदपुर कोवाली थाना क्षेत्र के हल्दी पोखर में रामनवमी जुलूस के दौरान पथराव, स्थानीय मुखिया देवी कुमारी भूमि समेत 4 लोग घायल, फिलहाल मामले को प्रशासन ने शांत करवाया। बताया जा रहा है कि जैसे ही जुलूस हल्दी पोखर रंकनी मंदिर के सामने पहुंची वैसे ही झंडा पकड़ने के दौरान टूट गया। उसी दौरान एक समुदाय विशेष के कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जुलूस में पत्थरबाजी किया गया जिसमें स्थानीय मुखिया देवी कुमारी भूमिज अन्य लोग घायल हो गए। उसके बाद जुलूस में शामिल लोग भड़क गए और विरोध और कार्रवाई की मांग करने लगे। वहीं इस घटना को लेकर जगह जगह में पुलिस बल की तैनाती की गई है। फिलहाल प्रशासन ने मामला को शांत कराया और लोगों को कार्रवाई का भरोसा दिया। जिला परिषद सदस्य सूरज मंडल ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा ऐसा किया गया है, प्रशासन तत्काल कार्रवाई करे। देखिए पटना के वर्ष के बाद इस वर्ष भी हल्दी पोखर में शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी विसर्जन निकाली गई थी, जो कि हल्दी पोखर रंकनी मंदिर स्थित जहाँ पे हम लोग हल्दी पोखर के जो झंडा है वो जहाँ पे रखा जाता है वहीं पे रखने के क्रम में किसी क्रम में झंडा टूट गई थी, जो कि पुलिस और पब्लिक का टू मैं के क्रम में विपरीत ओर से पत्थर चलने लगी और पत्थर चलने के बाद हमारे जो हल्दी पोखर के मुखिया जी है वो काफ़ी गंभीर रूप से घायल हैं और ऐसे कई लोगों को पत्थर लगा है जो कि थोड़ा बहुत घायल है, लेकिन ये घटना नहीं घटनी चाहिए। जो भी असामाजिक तत्व के लोग हैं वो सभी को चिन्हित कर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए और हल्दी पोखर पूर्वी के लोगों ने ये निर्णय लिया है कि जब तक कार्रवाई नहीं होती है तब तक हल्दी पोखर बाजार को
बंद रखी जाएगी और प्रशासन से मेरी एवं स्थानीय लोगों का भी बात हुई है। प्रशासन की ओर से दोषियों को कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और इस माहौल को शांत करने में स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी बहुत बड़ा भूमिका रहा है और अभी स्थिति वर्तमान सामान्य है, अच्छी स्थिति है, ऐसा कोई तनाव की स्थिति नहीं है। चांडिल थाना अंतर्गत काली मंदिर के समीप तेज रफ्तार दो पहिया वाहन चालक ने खल्लासी को मारा धक्का, MGM में इलाज के दौरान मौत। चांडिल थाना अंतर्गत काली मंदिर के समीप तेज रफ्तार दो पहिया वाहन चालक ने मुख्य सड़क पार कर रहे खलासी को धक्का मार दिया। इस घटना में खलासी विकास और वाहन चालक दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को इलाज के लिए MGM में भर्ती करवाया, जहाँ इलाज के दौरान खलासी विकास की मौत हो गई। इसका नाम विकास है साहब। विकास कहाँ काम करता है? ये खलासी में रहता है, मेरा जो दोस्त है उसी के साथ में। कहाँ पे काम करता है ये? काम करता है मतलब टेलर में, खलासी में रहता है, अभी आया एक महीना पहले। कहाँ का है ये? रहा तफसीपुर, नवादा जिला, बिहार। बिहार का रहने वाला है। कैसे घटना हुआ इसके साथ? इसके घटना हुआ ये गया था, खाना वाना बना लिए थे हम लोग, गया था पानी लाने के लिए, मतलब पानी लेके रोड क्रॉस कर रहा था, एक थोड़ा लड़का जो अभी गया ना बाइक वाला, बाइक 80 के क्रॉस में पूरा चला रहा था, आके मारा इसको, पूरा 30 फीट दूर उड़ आ गया। बहुत तेज रफ्तार में? हाँ, बहुत रफ्तार में था। डायरेक्ट वहाँ पे मतलब सास उस चल रहा था, हम लोग जल्दी पकड़ के लेके आए हॉस्पिटल। तो यहाँ पर क्या बोला? यहाँ पर ही आए, जब तक मशीन उशीन लगाए तो बोले कि नहीं रहा, डेड कर गया। हाँ, एक्सपायर कर गया। एक्सपायर कर गया। कितना लड़का था बाइक में? बाइक में दो लड़का सवार था। कहाँ का है, कुछ पता चला? नहीं मालूम, तो कुछ नहीं चला, हम तो इसको डायरेक्ट हॉस्पिटल लेके आए भैया। कहाँ पे घटना घटा है? घटना घटा काली मंदिर से आगे संतोष गैरेज के पास। संतोष गैरेज के पास जी। गाड़ी वहीं खड़ा है? जी वहीं गाड़ी खड़ा है। ये खलासी है? जी खलासी है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजू कुमार हुआ, राजू कुमार। कहाँ के आप? हम भी बिहार के, नवादा जिला। मतलब टेलर से, टेलर में आप लोग चलते हैं ना? हाँ, हम लोग गाड़ी चलाते हैं। जमशेदपुर जिला प्रशासन और अखाड़ा समितियों के बीच विवाद गहरा गया था, जहां रामनवमी विसर्जन जुलूस ना निकालने और जिला प्रशासन के अड़ियल रवैये के खिलाफ कुछ अखाड़ा को छोड़ सभी प्रमुख अखाड़ों ने विसर्जन जुलूस निकालने से मना कर दिया था, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण बन गई है। जिला प्रशासन एवं अखाड़ा समितियों के बीच कई दौर की वार्ता विफल होने के बाद अखाड़ा समिति अपनी मांगों से टस से मस नहीं हुई। इधर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कल यानी शनिवार को जमशेदपुर बंद बुलाया है। बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा कुछ अखाड़ों के टेलर और DJ जब्त करने के बाद यह स्थिति बनी है। शांति समिति की बैठकों में बार बार जिला प्रशासन द्वारा भारी वाहनों के प्रयोग और DJ पर प्रतिबंध लगाने के बाद भी कुछ अखाड़ा समितियों द्वारा टेलर और DJ का प्रयोग किया जा रहा था, जिसे जिला प्रशासन द्वारा जब्त कर लिया गया, जिसके बाद यह स्थिति उत्पन्न हुई है। जिला प्रशासन के इस निर्णय के खिलाफ भाजपा नेता अभय सिंह ने अखाड़ा समितियों के साथ बैठक कर दो टूक शब्दों में फरमान जारी कर दिया है कि जब तक जिला प्रशासन जब्त किए टेलर और DJ के अलावा अखाड़ा समितियों पर किए गए केस वापस नहीं लेती है, तब तक विसर्जन जुलूस नहीं निकलेगा। उन्होंने इसके पीछे स्थानीय मंत्री बन्ना गुप्ता को आड़े हाथ लेते हुए कहा, चोर ही शोर मचा रहे हैं, ऐसे लोगों को समझने की जरूरत है। टेलर और DJ जो परंपरा के अनुसार, जो 20 वर्षों से परंपरा, 25 वर्षों से है, उसी अनुसार ये लोग निकाल रहे थे, तब तक अचानक राज्य सरकार के पुलिस आला अधिकारी ले जा करके DJ और टेलर को जो है जब्त कर लिया। और जब्त करने के बाद में ये लोग बैठ गए कि भाई हमारा कैसी व्यवस्था होगी, तो बोले आप जुगाड़ करिए, 11th hour में कहाँ से टेलर करें। तो कल ये लोग दिन भर जो है, रात भर बैठे रह गए। जमशेदपुर के इतिहास में पहली बार लोगों ने रामनवमी का अखाड़ा जुलूस नहीं निकाला, ये सबसे बड़ी विडम्बना की बात है। जिला प्रशासन को ये बोलना चाहिए था राज्य सरकार को कि हमारा पहला लक्ष्य की शांति के साथ, सद्भाव के साथ, प्रेम के साथ, अनुशासन के साथ, धर्म के अनुसार आप अखाड़ा निकालिए, लेकिन टेलर नहीं निकलेगा, DJ नहीं बजेगा। अरे भैया, आपके सारे शब्दों को मानने को तैयार है, लेकिन अगर राम धुन नहीं बजेगा, DJ बना क्यों, ट्रेलर बना क्यों? ट्रेलर यहाँ सड़क में दौड़ सकता है, सारे कार्यक्रमों में हो सकता है, केवल हिंदू धर्म के में बड़ी बड़ी झांकियां बनाने में ट्रेलर को आपने अवरुद्ध कर दिया। कहते कि हम केस कर देंगे, मुकदमा कर देंगे, तो एक तानाशाही, निरंकुशाही, मुस्लिम पुष्टिकरण नीति किसी कीमत में नहीं मानेंगे। और टेलको समेत कई जगह से निकाला गया रामनवमी का विसर्जन जुलूस, वहीं खिलाड़ियों ने आग का खेल समेत एक से बढ़कर एक करतब दिखाया। वहीं राम भक्तों ने जय श्री राम के नारे लगाते रहे और विसर्जन करने के लिए पहुंचे। झारखंड क्षत्रिय संघ के द्वारा सरबत, चना, गुड़ का वितरण किया गया। झारखंड क्षत्रिय संघ के तरफ से
दस वर्षों से यहाँ हम लोग सेवा शिविर लगाते हैं रामनवमी के दिन, और पूरी संघ के परिवार जो है बच्चों के साथ, पत्नी बच्चे सभी लोग सेवा देते हैं। और सुबह 10 बजे से शिविर हम लोगों का चलता है, चना शरबत हलवा हम लोग सभी में वितरित करते हैं, साथ में जितने भी झंडा यहाँ से रामनवमी का गुजरते हैं उसको हम लोग पूजा पाठ करके रामनवमी के झंडे में शरीक लेने वाले सभी हिंदुओं को हम लोग स्वागत करते हैं। द जमशेदपुर पोटका के हल्दी पोखर में सभी दुकानें बंद, सीओ इम्तियाज अहमद को हटाने की कर रहे हैं लोग मांग। आज विजय बजरंग अखाड़ा समिति और हल्दी पोखर के लोग सड़क पर उतर कर रामनवमी के जुलूस में पत्थरबाजी करने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग की है और सीओ इम्तियाज अहमद को अविलंब हटाने की मांग की। वहीं भाजपा के पूर्व विधायक मेनका सरदार ने कहा कि जो लोग पत्थरबाजी किए हैं उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए, सीओ को भी अविलंब हटाया जाए। और इस बार जो वहाँ देखे स्थिति शांतिपूर्वक जब हम पहुँचे उसके बाद जो सीओ, हमको सीओ को ठीक नहीं लगा, क्योंकि शुरू में ही देखे सीओ एकदम खड़ा है, हम लोग पीछे है वो आगे है, प्रशासन है, हम लोग जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि को तो पीछे नहीं करना चाहिए, इसमें भी थोड़ा हमको दुख लगा। सीओ वहाँ इम्तियाज अहमद जो है उसको कुछ तकलीफ हुआ, वो असामाजिक तत्व को लेकर के पत्थरबाजी हम लोग ऊपर कर दिए बेवजह। हम लोग को कोई इसमें कोई गलती नहीं, कहीं पर कुछ नहीं है, झंडा टूटा तो हम लोग अपने आपस में मैनेज करके रख लिए उसको। इम्तियाज अहमद को तत्काल यहाँ पर उसको पदभार मुक्त किया जाए और जो पत्थरबाजी उधर से चला है उस पर कार्रवाई हो। हम लोग यही मांग रखते हैं, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग ये क्षेत्र के जो भी आंकड़ा है सभी आंकड़ा हम लोग बैठक करेंगे और हम लोग आगे का विचार करेंगे और आगे का जो विचार होगा हम लोग उसको विचार को फिर प्रशासन के पास रखेंगे। जमशेदपुर के सांसद वृतवरण महतो पोटका के हल्दी पोखर पहुंचे और रामनवमी अखाड़ा समिति के लोग से मिले। वहीं सांसद ने कहा कि लोगों की मांग है कि सीओ इम्तियाज अहमद को अविलंब हटाया जाए। वहीं हमने डीसी और एसएसपी से बात की और पूरे घटना को अवगत कराया है। यहाँ का जो सीओ है ये हर बार जो है गैर जिम्मेवाराना काम करते हैं। आज जिस तरह की उसका बॉडी लैंग्वेज हम लोग फुटेज पर देख रहे हैं, ये लगता है पार्टी बन के काम कर रहा ना कि एक जिला एडमिनिस्ट्रेशन का रूप से काम कर रहा है। एक तो एक पक्ष को साथ में लेकर झगड़ा करने के लिए उतारा हुआ है, लोग को बुला रहा है कि इधर आओ इधर आओ, और उसको जो है एक दारोगा समझा रहा है जो कि उसका अंडर में सुरक्षा के लिए खड़ा, वो समझा रहा है कि इस तरह मत करिए। तो ऐसा गैर जिम्मेवाराना जो पदाधिकारी है उसको इमीडिएट हल्दी पोखर नहीं कम से कम इसे कोल्हान से उसको हटा दिया जाए ताकि कोल्हान हमारा शांति रहे और शांति रहे और इसको इमीडिएट कार्रवाई करे। झारखंड के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा जमशेदपुर सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उपायुक्त विजय यादव, सीनियर एसपी प्रभात कुमार, झारखंड बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ला और बार के सदस्यों ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा उत्कल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेने शहर पहुंचे हैं। जमशेदपुर के साक्षी में शाम 7 बजे उत्कल एसोसिएशन कार्यक्रम में भाग लेंगे। बिहार और बंगाल से अलग होकर उड़ीसा राज्य आज के दिन बना था, इसलिए हर साल जमशेदपुर में उत्कल दिवस मनाया जाता है। वहीं 1 अप्रैल को उड़ीसा में भी भव्य रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और हर साल की भांति जमशेदपुर में भी उड़ीसा राज्य बनने पर साक्षी उत्कल एसोसिएशन में उत्कल दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। माननीय मुख्य न्यायाधीश जी, मुख्य न्यायाधिपति झारखंड न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा जी और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी जी शहर पधारे हैं, इसलिए हम लोग आके उनका स्वागत किए, अभिनंदन किए और वो पहली बार चीफ जस्टिस बनने के बाद यहाँ आए हैं, इसलिए पूरे अधिवक्ता समाज की तरफ से, राज्य के अधिवक्ताओं की तरफ से हमने साल ओढ़ा के उनको उस मुद्दे के सम्मानित किया, अभिनंदन किया। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। हर एक इंसान का ये अधिकार है वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, वह भी एक कामयाब जिंदगी गुजारे, तो फिर आप क्यों नहीं, हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, यहां काम सिखाने की 100% गारंटी दी जाती है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन QC, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, हाउस एंड प्लांट CCTV कैमरा एंड फायर अलार्म, डिग एंड
आर्क वेल्डिंग, हाई प्रेशर, एक्सरे क्वालिटी 6G पोजीशन, फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग, मोबाइल क्रेन, जेसीबी, एक्सकवेटर, टावर क्रेन, ग्रेडर ऑपरेटर, HVAC एंड एयर कंडीशन टेक्नीशियन। ये दावा नहीं, वादा है। हम काम भी सिखाते हैं और नौकरी भी दिलाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राब्या टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं श्रद्धा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। जमशेदपुर में रामनवमी का निकला विसर्जन जुलूस, हजारों लोग हुए शामिल। वहीं टेलको कीर्तन महिला मंडली के द्वारा चना गुड़ शरबत का वितरण किया गया। जमशेदपुर के कई जगहों से रामनवमी का विसर्जन जुलूस निकाला गया। वहीं टेलको, बर्मा माइंस, हल्दी पोखर आदि कई क्षेत्रों से विसर्जन जुलूस निकाला गया। वहीं टेलको कीर्तन महिला मंडली के द्वारा गुड़ चना शरबत का वितरण भव्य तरीके से किया गया। उसके बाद महिलाओं ने जय श्री राम के गानों में जमकर डांस किया और जय श्री राम के नारे लगाए। आज रामनवमी का झंडा विसर्जन का दिन है और हम लोग का ये दूसरा साल है झंडा विसर्जन में। हमारी कीर्तन मंडली टेलको से हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं और राम जी के हम लोग सब वंशज हैं और राम जी के बारे में अच्छा जो राम जी कर गए हैं और हम लोग चाहते हैं कि राम जी के नक्शे कदम पर हम हमारे बच्चे हैं और ये पूरा हिंदुस्तान राम जी के नक्शे कदम पर चले और बस यही हम कहना चाहेंगे और ये बस हमारी ये प्रेरणा है कि हम कीर्तन करते जाएं और जमशेदपुर में हम ये चाहते हैं कि हमारा जो कीर्तन महिला मंडली टेलको है हम लोग नंबर 1 पे आएं और इसी तरह राम का नाम लेते जाएं, माता रानी का नाम लेते जाएं और इसी नाम से हम लोग आगे बढ़ते जाएं। वहीं आजाद नगर स्थित रोड नंबर 2 में रामनवमी के अवसर राजा डांस अकेडमी के छात्रों ने बेहतर प्रदर्शन किया। हम लोग का जो क्रू है वो RVD क्रू और हम लोग जो करते हैं एक्रोबैटिक करते हैं, एयर स्टंट करते हैं, बम्बू एक्ट करते हैं, मतलब कॉम्बो है, मिक्सअप है। इसके चलते क्या है कि अभी हम लोग इंडिया को टैलेंट सीजन 10 में भी हम लोग का डायरेक्ट एंट्री है, सीजन 9 पे भी इंडिया को टैलेंट सीजन 9 पे भी हम लोग अभी सीजन 10 में हम लोग का डायरेक्ट एंट्री है। अभी जो कर्तव्य दिखाया गया है कौन कौन सा कर्तव्य था? ये एयर स्टंट है, एयर स्टंट बोले तो हवा वाला जो भी स्टंट होता है, एक्रोबैटिक है, जिमनास्टिक है, बम्बू एक्ट है और ड्रम स्टंट है। रामनवमी के अवसर पर सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा लगाया गया सेवा शिविर। रामनवमी पर्व के अवसर पर आजाद नगर रोड नंबर 2 स्थित क्रिसेंट हाई स्कूल प्रबंधन की ओर से सेवा शिविर लगाया गया। ये क्रिसेंट हाई स्कूल की तरफ से ये रामनवमी का हम लोग ये बता रहे हैं, बांट रहे हैं हम लोग सामान सब और ये रामनवमी के मौके पर हम लोग कर रहे हैं, शुभ अवसर पर कर रहे हैं हम लोग और ये भाईचारा का ये है, हम लोग पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि हम लोग सब एक है, हम लोग सब एक है, बस इतना हम लोग जानते हैं। हर साल आप इस तरह का बांटते हैं? हर साल हम लोग इस तरह का करते हैं। मैडम मुगला सलीम के जमाने से होते हुए मेरे मम्मी के टाइम से सोशल वर्क करते हुए परिवार को क्या और आप लोग भी कर रहे हैं लगातार? बिल्कुल बिल्कुल। अपना नाम बताइएगा। मैं डॉक्टर शाजिया अहमद। मानगो स्थित चौक के समीप बन्ना गुप्ता फैंस क्लब की ओर से सेवा शिविर लगाया गया। हम लोग जो प्रशासन निर्णय लेगा हम लोग उनके साथ चलेंगे, उनके विरुद्ध हम लोग नहीं जा सकते हैं, ताकि प्रशासन का साथ देने से जो भी वो अपने से अच्छा ही सोचेंगे, जो अच्छा होगा अपने करेंगे, जो निर्णय लेंगे उनके साथ हम लोग। आज क्या कर रहे हैं यहाँ? हम लोग यहाँ पर सेवा शिविर लगाए हैं जिसमें गुड़, चना, हलवा, शरबत का व्यवस्था किए हैं। किसकी ओर से लगाए हैं? ये हमारे माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी की ओर से लगाए हैं। और 36वां नेशनल टाइकोंडो चैंपियनशिप राजस्थान के कोटा में संपन्न। झारखंड रहा दूसरे स्थान पर, शहर के खिलाड़ियों ने जीता 3 गोल्ड मेडल। 36वां नेशनल टाइकोंडो चैंपियनशिप राजस्थान के कोटा में संपन्न हुआ जिसमें झारखंड दूसरे स्थान पर रहा। वहीं शहर के ताइक्वांडो खिलाड़ी माही शर्मा, हास्या कुमारी एवं आस्था कुमारी ने संयुक्त रूप से गोल्ड मेडल जीता। समीर ओझा सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से झारखंड टाइकोंडो एसोसिएशन के उपाध्यक्ष गोपाल कुमार, नेशनल कोच लखन कुमार, मैनेजर सपना पाल, अन्य खिलाड़ी उपस्थित थे। इधर जमशेदपुर कॉलेजों से बस सेवा शुरू करने की मांग को लेकर AIDSO ने सौंपा ज्ञापन।
ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जमशेदपुर नगर कमेटी की ओर से उपायुक्त की अनुपस्थिति में डीटीओ को ज्ञापन सौंपा गया। नगर अध्यक्ष शुभम कुमार झा ने कहा, जमशेदपुर के विभिन्न कॉलेजों में ग्रामीण क्षेत्रों तथा काफी दूर दराज से छात्र छात्राएं अध्ययन करने के लिए आते हैं, जो कि काफी गरीब तबके से हैं, जिसमें अधिकतर परिवार ऐसे हैं जिनका भरण पोषण भी बहुत मुश्किल हो पाता है और इसी कारण छात्र छात्राएं अपनी पढ़ाई को पूरी नहीं कर पाते हैं। इसलिए छात्र हित को देखते हुए जमशेदपुर के विभिन्न कॉलेजों से बस सेवा को बहाल किया जाए। ज्ञापन सौंपने में प्रदेश सचिव मंडल सदस्य खुशबू कुमारी, नगर उपाध्यक्ष कामेश्वर प्रसाद, पायल, अमित, बबलू, बुलबुल सहित विभिन्न कॉलेज के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जमशेदपुर नगर कमेटी की ओर से जमशेदपुर के विभिन्न कॉलेज के छात्र प्रतिनिधि लोग आए हैं डीसी मैडम से मुलाकात करने। डिमांड है कि यहाँ पर जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, हम जानते हैं कि यहाँ पर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे पढ़ने आते हैं, जो कि घर चलाना ही बहुत मुश्किल से हो पाता है, और यहाँ पर जो आप जानते हैं कि ऑटो का किराया, बस का किराया काफ़ी ज़्यादा है। तो हम लोग यही डिमांड करने आए हैं कि यहाँ पर जो स्टूडेंट लोग के लिए बस की सेवा शुरू की जाए, और जब तक ये नहीं होता तब तक जो छात्र छात्राएं उनको किराए में रियायत देने की मांग को लेकर आज हम लोग यहाँ पर डीसी मैडम से मिलने आए हैं। और चांडिल रेलवे बाईपास मार्ग जर्जर होने के कारण किंगफिशर बस हुई दुर्घटनाग्रस्त, बाल बाल बचे सवारी। सरकारी तंत्र और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का दंश झेल रही चांडिल रेलवे बाईपास पर आज टाटा से फुसरो जाने वाली किंगफिशर बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गनीमत रहे कि बस पर सवार 20 से 25 यात्री सहित कंडक्टर, ड्राइवर और खल्लासी बाल बाल बच गए। रेलवे बाईपास सड़क पर आए दिन छोटे बड़े वाहन चालक के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबरें न्यूज चैनलों में प्रकाशित होती रहती है, जिस पर ना तो विभागीय अधिकारी को कोई फर्क पड़ता है और ना ही क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को, क्योंकि नीचे ऊपर तक की सांठ गांठ बड़ी तगड़ी बताई जा रही है। दुर्घटनाग्रस्त बस पर सवार यात्री से जब पूछा गया तो उनका भी कहना था कि आज ये घटना केवल और केवल सड़क की बदहाली के कारण घटा है, इसमें ड्राइवर की कोई दोष नहीं है। सड़क की स्थिति अत्यंत जर्जर होने के कारण ही बस नियंत्रण से अनियंत्रित हुई। किसी के जान माल की क्षति तो नहीं हुई है, लेकिन गड्ढे की वजह से शायद एक हो सकता है टायर, पिछला टायर उधर उस साइड में थोड़ा दलदली क्षेत्र, मिट्टी देखिए गीला है, तो फंस गया, बस उसी वजह से हुआ। सवारी आपका आवाज़ दे रहा था आपको कि रोगी रोगी के करके हमने तो ध्यान दिया, कच्चा मिट्टी का पाल लिया था, और इसी चक्कर में गाड़ी बाईपास का रोड कैसे स्थिति खराब, बाईपास का रोड का सर बहुत स्थिति खराब होगा, रोड बोलते हैं पूरा उबर खबर लगता है, गाड़ी चलने लगे रखता नहीं, गाड़ी फिर भी चल रहा है। सवारी थे इसमें, सवारी ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 था। कहाँ से कहाँ रहे थे गाड़ी, कहाँ से गाड़ी, गंगा से टाटा से गंगा। इधर बीती रात जमशेदपुर में देर शाम जिला प्रशासन और अखाड़ा समिति एवं जिले के सांसद के बैठक के बाद अखाड़ा जुलूस निकाले जाने के मामले पर जिला कांग्रेस ने इसे हिंदू भावना को ठेस पहुंचाने वाले कार्य करार दिया है। साथ ही कहा कि जिले की उपायुक्त के कारण ही ये तमाम चीजें हुई है। शनिवार को बिष्टुपुर स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित एक वार्ता के दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि कल जो फैसला रात के 9 बजे लिया गया, वही फैसला दोपहर को भी लिया जा सकता था, लेकिन जिले के उपायुक्त ने जानबूझकर राज्य सरकार को बदनाम करने की मंशा से देर रात को बैठक कर फैसला सुनाया। इन्होंने कहा कि उक्त बैठक में जनप्रतिनिधि के रूप में केवल जिले के सांसद थे, जबकि जिले भर में 6 और विधायक है। साथ ही जिस स्थान पर बैठक हुई वहां के विधायक बन्ना गुप्ता है और वे राज्य के मंत्री है, लेकिन जिले के उपायुक्त ने उन्हें भी बैठक में बुलाना मुनासिब नहीं समझा। साथ ही बैठक में अखाड़ा समितियों के अलावा भाजपा के वर्तमान और कई पूर्व जिला अध्यक्ष भी मौजूद थे, जो किसी अखाड़ा से ताल्लुक नहीं रखते, बावजूद इसके उन्हें बैठक में शामिल किया जाना यह स्पष्ट दर्शाता है कि जिले के उपायुक्त जानबूझकर भाजपा के इशारे पर चलकर राज्य सरकार की छवि जनता के बीच खराब करने में जुटी है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी से बर्दाश्त नहीं करेगी और राज्य के मुख्यमंत्री से उनके इस रवैये के खिलाफ शिकायत करेगी। सांसद के अलावा भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष अपने शामिल होते हैं, दो दो तीन तीन पूर्व महानगर के अध्यक्ष शामिल होते हैं, अगर आपने उनको बुलाया तो फिर आपने सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाया, सारे दलों को उस पर क्यों आमंत्रित नहीं किया। ये प्रदर्शित करता है कि आप जानबूझ करके मिल करके उनके साथ में आपने ये खेला खेला सरकार को बदनाम कराने के लिए। हम पूछना चाहते हैं डीसी मैडम से आपके माध्यम से कि ये आप बताएं कि आपके कारण जुगसलाई में जो घटना घटी, अगर आप निर्णय पहले लिए होते, ये दोनों पक्ष चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या जिला प्रशासन हो,
अगर आपका निर्णय समय पर होता तो जुगसलाई में जिन 100 बच्चों पर केस हुआ, एफआईआर हुआ, एफआईआर नहीं हुआ होता। आज उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। हम लोग इस पर भी बात करेंगे कि कैसे उन बच्चों को सुरक्षा दिया जाए, कैसे उन बच्चों को बचाने का प्रयास किया जाए। लेकिन डीसी का एक नहीं, ये तो एक कार्यक्रम हुआ, बार बार डीसी मैडम के द्वारा हर समय वो काम किया जा रहा है जो काम हमारे लोगों को परेशान कर रहा है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में जिला प्रशासन और अखाड़ा समितियों के बीच अखाड़ा जुलूस को निकाले जाने को लेकर हुआ विवाद शुक्रवार बैठक के बाद समाप्त। इसके बाद जुलूस निकाले जाने पर सहमति बनी। मानगो में सुबह मॉर्निंग वॉक कर रही महिला की चैन छिनते ही मामला थाने में दर्ज। आदितपुर टोल ब्रिज के समीप मरीन ड्राइव में शनिवार को अनियंत्रित ट्रेलर की चपेट में आने से इंडो डेनिस टूल रूम की छात्रा की मौत। और सरायकेला खरसावा जिला के कपाली ओपी पुलिस ने बीते 24 मार्च को सूरज कालिंदी हत्याकांड का किया खुलासा, 4 अपराधकर्मी गिरफ्तार। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।